जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार है। आइए सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। आज लाभ पंचमी है, लेकिन यह लौकिक पर्व होने से श्री जी में कुछ विशेष नहीं होता है। श्री जी को आज लाल जरी के रूपहरी जरी की किनारी वाले सुसज्जित सूथन चोली एवं चाकदार वागा धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र पीले रंग के आएंगे। श्रृंगार में प्रभु को श्रीमस्तक पर लाल जरी की किनारा की टोपी के ऊपर मध्य में मोर चंद्रिका और दोहरा कतरा एवं बाई ओर शीशफूल धराया जाएगा। मयूराकृत कर्णफूल धराए जाएंगे। इसके अलावा विशेष में आज श्री जी को गोवर्धन धारण लीला के चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में वैष्णव एवं दर्शनार्थी उमड़े हुए हैं। यह सर्वविदित है कि प्रतिवर्ष श्री यमुना जी में यम द्वितीया का स्नान करने के पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए यह लोग यहाँ आते हैं। फिलहाल नगर में रौनक बढ़ी हुई है। श्रीनाथ जी मंदिर में भी आठों दर्शन करवाए जा रहे हैं। विद्युत सजावट भी अभी तक होने से नगर का माहौल मनमोहक बना हुआ है। दूसरी तरफ नगर में घट रहे राजनीतिक घटनाक्रम के तहत कांग्रेस कार्यालय तथा बीजेपी में भी पर्यवेक्षकों द्वारा नगरपालिका चुनावों के लिए दावेदारों से मुलाकातें की जा रही हैं और उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यालय पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। नगर में राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर हैं तो दूसरी तरफ वैष्णवों की उमड़ी भीड़ पर कुछ शरारती तत्व अपने हाथ भी साफ कर रहे हैं। पार्किंग हायर सेकेंडरी में जो चोरी हुई है वह चर्चा का विषय बनी हुई है। अर्थात नगर की इज्जत तो तार तार हो ही रही है, भले राजनीति और प्रशासन अपने कुछ भी दावे करते रहें, क्योंकि इस घटना में संदेह का दायरा ठेकेदारों से लगाकर प्रशासन तक जाता है और ठेकेदारों को किसका प्रशय प्राप्त है आप सभी को और हमें भी पता है। दूसरी तरफ नगरपालिका चुनावों के मद्देनजर आमेर तथा नाथद्वारा क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।